नमस्कार, मैं इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 48, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी मेंबर एवं नामित स्टैंडिंग कमेटी मेंबर पटना नगर निगम। सर, मेरा पहला सवाल है सर, लगातार दो बार आप यहाँ पार्षद रह चुके हैं सर, कितने पिछले कार्य हैं जो छूट गए हैं जिसे इस बार आपको पूरा करना है? मोटा मोटी पिछले 5 साल के कार्यकाल में हम पूरे वार्ड की जितनी रूपरेखा जो थी, जितनी भी सड़कों का निर्माण कराना था, नालों का निर्माण कराना था, वो तमाम योजनाओं को हमने चिन्हित करके उसको ऑलरेडी मोटा मोटी 80% कार्य हम ऑलरेडी पूरा करा चुके हैं। शेष जो 20% कार्य बचे हुए हैं तो वो योजनाएं निर्माणाधीन हैं, प्रगतिधीन हैं, तो आशा है कि आने वाले 1-1.5 महीने वो तमाम योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सर, बहुत कचरा जमा जो है आप भी अपने क्षेत्र में देख रहे होंगे, लगातार जनता के बीच जा रहे हो, अपने दावे और वादे भी फेस कर रहे होंगे सर, वो कौन से मुद्दे थे जिनको लेके आप जनता के बीच गए थे, इसे अब आपको पूरा करेंगे? देखिए, बेसिकली यहाँ जो समस्याएं थी, मुझे लगता है कि पिछले कार्यकाल में मैंने जो वादे किए थे यहाँ के लोगों को, उन वादों को मैंने पूरा किया था, जिसकी वजह से फिर से उन्होंने मुझे जिताने का कार्य किया। लेकिन चूंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो रोकी नहीं जा सकती है, तो उस दौरान जो भी चीज़ें छूट गई, जैसे कि मैंने कोशिश की कि राशन कार्ड हर घर घर को मिले, हर परिवार को मिले, तो ऑलमोस्ट 90% लोगों का, परिवारों का राशन कार्ड बन गया है। लेकिन जो शेष 10% छूट गए हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा करा देना हो, इस कार्य की उपलब्धि रहेगी वो। दूसरा, जैसे जितने भी बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या वीडो महिलाएं हैं, तो वैसे लोगों का पेंशन की जो योजना है उसका लाभ दिलाने के लिए, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 90% योजनाओं को। सर, आपके वार्ड में जो है सर, जो नहर है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है सर, इस पे क्या कहना चाहिए? ये सैदपुर नाला जो है, इसको लेकर के चूंकि सरकार गंभीर नहीं है जी। और सैदपुर नाला ही नहीं, पूरे पटना शहर में 9 बड़े खुले नाले जो है उसको ढाक करके सड़क बनाना जो है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी बेहतर है, विकल्प है। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार की नीतियों में, उनकी पॉलिसी में सैदपुर नहर को पाट करके सड़क बनाने की योजनाओं को लेकर वो गंभीर नहीं है। लेकिन उनमें से 3 बड़े नालों को हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के तहत भी लिया है, लेकिन सैदपुर नाला उसमें अछूता रह गया, चूंकि एवीडी एरिया से बाहर है। और हम लगातार, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री को हम 3 बार सैदपुर नाला को 2019 के जल जमाव के समय भी हमको लेकर के आए थे दिखाने के लिए, और इधर 2 बार हम लेकर के उनको आमंत्रित किए थे, उनको बुलाए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री इस जगह पे आकर के बाकायदा संबंधित विभागों को और पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। लेकिन वो चीजें आज तक, वो आदेश और निर्देश जो है वो फाइलों पे ही रह गई। और अभी हाल ही में हम याचिका समिति में, विधानसभा में हमने इस विषय को जब उठाया है, तो परसों जो है कि पूरा जिलाधिकारी की टीम, संबंधित विभागों की टीम आके स्थल निरीक्षण किया है, तो हम तो कोशिश में लगे हैं, सरकार को भी इस विषय में शीघ्रता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि अशोक राजपथ पे जो ट्रैफिक लोड है वो उसको कम किया जा सकता है और पटना शहर को एक सुगम ट्रैफिक व्यवस्था दी जा सकती है। और ये नाला अपने आप में, चूंकि यहाँ के लोगों के लिए भी ये बड़ा ही, यहाँ से लेकर वार्ड नंबर 56 जो है पहाड़ी तक जो है ये नाला जाता है, तो वैसी स्थिति में यहाँ के लोग का लाइफ जो है वो भी छोटा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो पॉइजनस गैस निकलते हैं, उस गैस जो है कि वो लोगों को तिल तिल करके मार रहा है, लोग को पता नहीं चल रहा है कि उसका इफेक्ट क्या है, और सरकार उदासीन है, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो निश्चित तौर से इसको पाट करके सड़क बनाने की जरूरत है, और मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं लगातार संबंधित विभागों से संपर्क में हूँ, सरकार से संपर्क में हूँ, और अगर सरकार प्यार से मानती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए सड़क से लेकर के सदन तक और सदन से लेकर के अंतिम जो होगा लड़ाई हम न्यायालय तक जाकर के लड़ेंगे, ताकि इस सड़क को बना करके, इस नहर को पाट कर सड़क बना करके यहाँ के लोगों के जो जीवन यापन को सुधारा जा सके और एक सुगम ट्रैफिक की व्यवस्था दी जा सके। पहले तो गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की ढेर शुभकामनाएं देंगे अपने वार्ड के लोगों को, पटना शहर के लोगों को, और चूंकि बहुत दिन बाद, चूंकि कोरोना महामारी से लोग निकले हैं, लेकिन कोरोना को कमतर आंका नहीं जा सकता, हमको सावधानी बरतने की जरूरत है, लोगों से अपील भी रहेगी, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर आज भी बचने की जरूरत है, हम लापरवाही न बरतें और सेलिब्रेट करें, बसंत पंचमी को सेलिब्रेट करें, माता सरस्वती का उपासना का पर्व है और हमारा नेशनल पर्व है, तो हम दोनों पर्व को सेलिब्रेट करें, सब लोग मिल करके करें, यही शुभकामना है लोगों का, कि बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ।